ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की टीम का जंग में मौजूद एग्री ड्रीम फार्म का दौरा। टीम में डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर शबाज, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तखार, डॉक्टर एजाज अशरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राना आमिर, डॉक्टर राव साबिर सितार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राफे मुजम्मिल, डॉक्टर गुलफाम, डॉक्टर सैयद आमिर और तलबा शामिल थे। एग्री ड्रीम फार्म पर वाकया इस तकरीब में किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें CEO एग्री ड्रीम फार्म राना जुल्फकार अली, राना वकार अली, मार इनायत दिराज, मलिक सुल्तान, मार गुलाम भोजवाना सियाल, आबिद हुसैन आसी एडवोकेट, पीर नवाज शाह, प्रोफेसर इश्तियाक, डॉक्टर जुल्फकार गगड़ाना, मियाँ मजहर हुसैन, उसामा जुल्फकार, हाशिर जुल्फकार, समी वकार, मलिक लाल खान, मार मुजफ्फर और दीगर शामिल हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की टीम ने एग्री ड्रीम फार्म में मौजूद कपास की फसल का मुआयना किया और कपास के पौधों का एक दूसरे से फासला, खेलों पर काश्त, बड़ा पौधा, कम पानी की लागत और ज्यादा पैदावार जैसे आइडियाज को खूब सराहा। बाद में चावल बैंगन के खेतों का मुआयना किया गया। खेलियों पर लगाए जाने की वजह से पानी की 50% बचत हुई, जड़ों की बढ़ोतरी ज्यादा हुई, कम लागत ज्यादा पैदावार जैसे दीगर फवायद हासिल हुए। खेलियों पर लगाने की वजह से धान के शगुफे ज्यादा निकलते हैं जो पैदावार में इजाफे का सबब बनते हैं। फार्म को विजिट करने वाले काश्तकारों का कहना था कि वो फार्म की पैदावार बढ़ाने के जदीद तरीके से मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं और आने वाले दौर में इस पर अमल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, अपनी टीम के साथ यहाँ राना जुल्फकार साहब के फार्म पे हम आए हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लेके। एक तो हमने इनका फार्म विजिट करना था, जो ये टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उसको देखना था, अपने बच्चों को दिखाना था, और जो वैल्यू एडिशन पे ये काम कर रहे हैं वो इन्हें बताना था, जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। इसके अलावा हमने ये ऑब्ज़र्व करना था कि फील्ड में कौन कौन से मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है और ज़रई यूनिवर्सिटी उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। हम यहाँ आए हैं और यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे फार्मर्स को इनकी पैरवी करनी चाहिए, इनको देख के उन्हें मोटिवेट होना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें, अपनी पैदावार बढ़ा सकें और अपनी इनकम में इजाफा कर सकें। सीज़न टू सीज़न या जब नई क्रॉप आएगी, हम कोशिश करेंगे कि मैं या मेरी टीम के दूसरे लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इनसे सीखें और इन्हें गाइड करें। राना जुल्फकार के साथ हमारी डिस्कशन हुई है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं और हमारे स्टूडेंट उससे काफ़ी मुतासर हुए। यूनिवर्सिटी की तरफ से काश्तकारों के मसाइल और तजावीज़ को जांचने के लिए एक सवालनामा भी दिया गया, जिससे हासिल शुदा मालूमात से आने वाले दौर में लाहे अमल तैयार किया जाएगा। एग्री ड्रीम फार्म ने वैल्यू एडिशन पर काम किया, जिसको यूनिवर्सिटी की तरफ से सराहा गया और ताउन का इजहार भी किया गया। एग्री ड्रीम फार्म ने गुज़श्ता 3 साल से वैल्यू एडिशन पर काम शुरू किया हुआ है। एग्री ड्रीम फार्म के CEO राना जुल्फकार अली ने वैल्यू एडिशन ट्रेनिंग के लिए प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी से तावन का कहा, जिससे काश्तकारों की आमदन में मजीद इजाफा होगा। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने